Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भगवान गणपति प्रथम पूज्य और संकटहर्ता माने जाते हैं। हर शुभ कार्यों से पूर्व गणेश जी की वंदना इसलिए की जाती है ताकि वो मंगलमय हो और आनंद पूर्वक संपन्न हो। गणेश जी के बारे में अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इनके बारे में विभिन्न रोचक बातें ये भी हैं जिनके संबंध में लोगों को प्रायः अधिक जानकारी नहीं होती है। आप भी जानिए कि भगवान गणेश के बारे में ऐसे कुछ रोचक और अनोखी बातें। पहला, क्या आप जानते हैं गणेश जी के शरीर का रंग कैसा है? शिव पुराण के अनुसार गणेश जी के शरीर का वर्णन लाल तथा हरा है। लाल रंग शक्ति का और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। इसका मतलब ये हुआ है जहाँ गणेश जी हैं वहाँ शक्ति और समृद्धि दोनों का वास है। दूसरा है, माता पार्वती ने पुत्र की प्राप्ति के लिए पुण्यक नामक उपवास किया था। कहा जाता है कि जब गणेश जी को समस्त देवता आशीर्वाद दे रहे थे तब शनि देव ने अपना सिर झुकाए खड़े थे। तब माँ पार्वती ने शनि से इसका रहस्य पूछा तो उन्होंने बताया कि उनकी दृष्टि गणेश जी के लिए शुभ नहीं होगी, परंतु माँ पार्वती के कहने पर उन्होंने गणेश जी को देखा और उनका अहित हुआ। कुछ दिनों के बाद शिव जी ने उनका सर काट दिया था। तीसरा, गणेश जी के दो विवाह हुए हैं। उनकी पत्नियां का नाम रिद्धि और सिद्धि है। गणेश जी के दो पुत्र हैं, उनके नाम शुभ तथा लाभ हैं। चौथा, गणेश भगवान शिव के पुत्र हैं लेकिन शिव ने भी उनकी पूजा की थी। एक बार शिव जी त्रिपुर नामक राक्षस का वध करने जा रहे थे। उन्होंने विजय प्राप्ति के लिए गणेश जी का पूजन किया था, तब उन्हें युद्ध में विजय प्राप्ति हुई। माँ पार्वती ने गणेश जी की रचना की थी लेकिन इनका सुझाव उन्हें उनकी दो सखियाँ जया और विजया ने दिया था। उन्होंने माँ पार्वती को सलाह दी थी कि वे भी शिव जी की तरह एक ऐसे गण का निर्माण करें जिनकी आज्ञाकारी हो। तब पार्वती ने गणेश जी की रचना की। गणेश जी को एक दंत भी कहा जाता है। इसके पीछे एक रोचक तथ्य है। माना जाता है कि एक बार परशुराम जी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन करने गए। उस समय शिव जी ध्यान कर रहे थे, इसलिए गणेश जी ने परशुराम जी को अंदर नहीं जाने दिया। इसके बाद से क्रोधित परशुराम जी ने अपने फरसे का वार गणेश जी पर किया। चूंकि वह फरसा शिव जी ने ही परशुराम को दिया था, इसलिए गणेश जी चाहते थे कि उसका वार खाली न जाए। उन्होंने वो वार अपने दांतों पर झेल लिया। गणेश जी महान लेखक भी थे। उन्होंने महाभारत का लेखन किया था। इस ग्रंथ के रचयिता तो वेद व्यास है लेकिन लिखने का दायित्व गणेश जी ने वहन किया था। लिखने के लिए गणेश जी की शर्त थी कि उनकी लेखनी के बीच में नहीं रुकनी चाहिए, इसलिए वेद व्यास में उन्होंने कहा कि वो हर श्लोक को समझने के बाद ही लिखें। श्लोक का अर्थ समझने में गणेश जी को कुछ समय लगता था और उसी दौरान वेदव्यास जी आवश्यक कार्य पूर्ण कर लेते थे। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।